अगर गाइस नेक्स्ट चालू करते हैं अपना चैप्टर है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी। नाउ नीट के एग्जाम के हिसाब से देखेंगे, एक सवाल पक्का है, पक्का पक्का पक्का, जो आपका न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी से आ रहा है। चैप्टर लंबा नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी इसमें कहानी है नहीं, सिंपल चैप्टर है। नाउ इसको बात करते हैं आपके न्यूक्लियर फिजिक्स। इससे पहले जब हमने एटॉमिक फिजिक्स पढ़ा तो हमने कहा था कि भाई आपका एक न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वो आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो सब हमने बात की थी। इस बार हम न्यूक्लियर फिजिक्स के चैप्टर में आपके न्यूक्लियस के अंदर घुस के देखेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स भी जब हम यहाँ बात करते हैं, हम कहते हैं कि आपका न्यूक्लियाई जो है वो बना हुआ है आपके प्राइमरी, इसके जो इंग्रेडिएंट है वो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं उसको आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियर, दे आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर, और आप उसको जेड से डिनोट करते हैं। सिमिलरली जो वहाँ पे आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उनको आप न्यूट्रॉन नंबर कहते हैं और उसको आप कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। उन दोनों का जो सम होता है उसको आप मास नंबर कहते हैं, उन दोनों का सम ए से हम डिनोट करते हैं, और ये हमें बताता है कि एक्चुअली न्यूक्लियाई का वजन कितना है आपके। अगर इसमें से प्राइमरीली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो इन दोनों का वजन मिला के आपके एक्चुअली एटम का या फिर आपके न्यूक्लियस का वजन होएगा, उसको हम यहाँ पे ए से कहते हैं। और कोई भी आपका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो भी लोग रह रहे हैं आपके प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन, उन दोनों को मिला के हम यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो उन्हें मिला के न्यूक्लियॉन वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं। नाउ कोई भी अगर हमें आपका न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन करना है उसको हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि मान लीजिए एक्स आपका एलिमेंट है, उस एक्स एलिमेंट को आप यहाँ पे जेड और ए ऐसे लिखते हैं। ए आपका रिप्रेजेंट करता है, ये आपका जो है ए हो गया आपका मास नंबर, ए आपको बताता है कि टोटल न्यूक्लियस का मास कितना है, और जेड यहाँ पे बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। नाउ कई बार स्टूडेंट्स इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्यों कह रहे हो, ये तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। आंसर इज नो। रीज़न क्या है कि आपका जैसे एन ए प्लस है या सी एल माइनस है, उन्होंने जब बॉन्डिंग की तो एन ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, सी एल ने ले लिया, वहाँ पे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे लेकिन आपकी केमिकल प्रॉपर्टी जो सोडियम की रहेंगी वो एन ए ही रहेगी। तो ये जो आपका एन ए है या जो आपका एक्स है उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिसाइड होती है, इसलिए हम यहाँ पे ए और जेड लिखते हैं। ठीक है, तो ए और जेड न्यूट्रल अगर आप बात करेंगे कि आपका केमिकली न्यूट्रल या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अगर आपका कोई एलिमेंट है तो उस न्यूट्रल उस केस में आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, उस केस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आप दोनों कह सकते हैं, बट एक्चुअली इसका रिप्रेजेंटेशन जेड का नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद हम कहते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस का जो रेडियस है उस रेडियस को हम कहते हैं आर विल बी इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, ए का क्यूब रूट लेते हैं यहाँ पे हम, और यहाँ पे आर नॉट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1.2 × 10⁻¹⁵ मीटर, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। न्यूक्लियर वॉल्यूम की बात करेंगे तो आपका जो वॉल्यूम है उसको हम कहते हैं, उसको हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर और सॉरी परफेक्ट क्यूब मानते हैं यहाँ पे। अब ऐसा परफेक्ट क्यूब मानते हैं वो एक्चुअली होता है नहीं होता, दैट सेपरेट वो स्नैरियो, बट हम अपने सिलेबस में ये कहते हैं न्यूक्लियस आपका परफेक्ट स्फेयर है और उसका वॉल्यूम आप 4/3 πr³ लिख लेते हैं, और इसकी वजह से हम कहते हैं कि वॉल्यूम आपका ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितने हायर एलिमेंट होते चले जाएंगे उतना वॉल्यूम आपका डायरेक्टली बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे न्यूक्लियर डेंसिटी की जब बात करते हैं, डेंसिटी हम डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, और उसकी वजह से मास पर यूनिट वॉल्यूम जब हम सॉल्व करते हैं तो आपका ए और ए यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, मास को जब वॉल्यूम से डिवाइड करें और आपका डेंसिटी जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट हो जाती है आपके ए के। तो डेंसिटी हम कहते हैं हर न्यूक्लियस की लगभग सेम है, वो ए पे डिपेंड नहीं करता है। तो जितने हायर एलिमेंट्स जितने ए बढ़ता चला जाएगा उससे आपकी डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, ऑफकोर्स मास बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा बट उससे डेंसिटी आपकी लगभग सेम ही रहेगी, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे हम बात करते हैं एक और चीज़ हमने यहाँ पे डिफाइन की जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। नाउ वजन की अगर हम बात करेंगे तो एक किलोग्राम वजन जो है वो न्यूक्लियस की दुनिया में बहुत बड़ी एलिमेंट है, बहुत बड़ा एंटिटी है, बहुत बड़ी यूनिट है। अगर एक न्यूट्रॉन की या प्रोटॉन की बात करें उनका जो मास आता है वो 10⁻²⁷ किलोग्राम आता है, तो उस हिसाब से आपका उसका मास जो है ना किलोग्राम बहुत बड़ी यूनिट है। हमने यहाँ पे इस इसके लिए इसको कैटर करने के लिए एक नई यूनिट डिफाइन की जिसको हमने कहा एएमयू। एएमयू होता है कन्वीनियंट यूनिट जो है उसको हम यू से डिनोट करते हैं, और एएमयू को हम लिखते हैं 1/C12 का जो आपका कार्बन का आइटम है। ठीक है, उसको हमने तराजू में तोला, जिस ज़माने में डिफाइन किया गया मे बी कार्बन और अदरवाइज भी कार्बन सबसे ज़्यादा कॉमन एलिमेंट है, तो उस कार्बन को हमने तोला, उसका वजन निकाला, और हमें पता है कि नॉर्मल जो आपका कार्बन का एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 12 न्यूक्लियन होंगे, तो हमने यहाँ पे उस कार्बन के मास को 12 से डिवाइड कर दिया, वो आपका एएमयू डिफाइन कर दिया। एएमयू की वैल्यू उस हिसाब से आ जाती है 1.66,
मल्टीप्लाइड बाय 10^-27 किलोग्राम, ये आपकी एएमयू की वैल्यू हो जाएगी। नाउ इसी एएमयू को जब हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो जब हम यूज़ करते हैं ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, वहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी में मास इफेक्ट में इसका रोल आएगा, डिफाइन पहले कर लेते हैं इसको। तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर मुझे एनर्जी निकालनी है, एनर्जी अगेन जूल बहुत बड़ी यूनिट है इस दुनिया के लिए, तो हमने यहाँ पे एक नई यूनिट डिफाइन की हुई जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक एएमयू का वजन अगर आपका मान लो कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो एक एएमयू का वजन आया मान लो जीरो डेल्टा एम जो आया आपका, ठीक है, वो आया 0.02 एएमयू। और अब आपको इसके इक्वलेंट एनर्जी बतानी है, तो आप सीधा ये इसकी वैल्यू लो डेल्टा एम की, और इस वैल्यू को आप 931 MeV से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मतलब 10^6, इससे मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आपकी एनर्जी आ जाएगी। तो एक एएमयू जो है वो आपका 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इस डेटा को ध्यान रखना, बहुत बार सवालों में डायरेक्ट इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी आप डेल्टा एम से बात करेंगे तो डेल्टा एम को सीधा 931 से मल्टीप्लाई करें, तो 0.02 था, 931 से मल्टीप्लाई करें, उतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी उस मास की बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हुई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके बाद।